वैसे तो आप लोग को ढेर सारा YouTube पर वीडियो मिल जाएगा फ्री फायर नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें या नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे ठीक करें, लेकिन गाइस आप लोग को उन वीडियो से भी फ्री फायर का नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ मैं जानता हूं, क्योंकि गाइस होता क्या है कि इतना सारा वीडियो जो डाला है लेकिन गाइस कोई भी काम की चीज नहीं बताता, पुराना ट्रिक वगैरह बता देते हैं और आप लोग का फ्री फायर नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। लेकिन गाइस इस वीडियो पर मैं आप लोग को जितना भी मुझे ट्रिक मालूम है फ्री फायर नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम का, तो वो सभी ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसका मैं खुद यूज करके अपना नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम को फिक्स कर लेता हूँ। तो आप लोग को भी ये ट्रिक और सेटिंग्स को जानना है तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, और इस वीडियो के बाद आप लोग को आगे और कोई वीडियो नहीं देखना होगा। हाँ एकदम मैं सच बोल रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो बस को देख लो और आगे फिर आप लोग को नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देख के अपना नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। मैं बिल्कुल भी आप लोग का समय वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्रिक में आप लोग को ये करना है कि जैसे ही आप लोग के सामने फ्री फायर नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग को तुरंत अपना नोटिफिकेशन बार को ओपन करना और वहां पर आप लोग को एरोप्लेन मोड मिलेगा तो उसको इनेबल कर देना और 5-6 सेकंड बाद उसे आप लोग ऑफ कर देना, और इतना करने के बाद आप लोग का उसी वक्त आप लोग का नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो आप लोग वीडियो को भी आगे तक देखो, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब आप लोग का फिर भी सॉल्व नहीं होता तो आप लोग को करने का गेम को हटा देना है। गेम को हटाने के बाद आप लोग को अब अपना यूट्यूब ओपन करके देखना है कि आप लोग का नेटवर्क एकदम ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं। उसके बाद आप लोग अगर ठीक चल रहा है तो अब आप लोग आगे में जो सेटिंग्स बताने वाला हूँ इनको जरूर से कर लेना, देन गाइस फिर गेम खेलना और फिर मुझे बताना कि आपका गेम अब कैसा चल रहा था, आप लोग को नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ या नहीं। अब जो भी सेटिंग्स मैं आप लोग को बताने वाला हूँ तो इन्हें आप लोग एकदम ध्यान से देखना। तो पहले तो आप लोग को करने की आपका फोन का सेटिंग्स ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आप लोग एप्स पे चले जाओ। एप्स पे आने के बाद एप्स मैनेजमेंट में, और यहाँ आने के बाद आप लोग को क्या फ्री फायर को ढूंढ लेना है। तो ये रहा मेरा फ्री फायर मैक्स, आप लोग के पास फ्री फायर है तो फ्री फायर पर चले जाना। यहाँ आने के बाद आप लोग को मिलेगा यहाँ से स्टोरेज, स्टोरेज को ओपन कर लेना और यहाँ मिलेगा आप लोग को क्लियर कैच, तो क्लियर कैच कर देना, बैक कर लेना। उसके बाद आप लोग को फोर स्टॉप मिलेगा, फोर स्टॉप भी कर देना। बस गाइस इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ पास ऊपर मिलेगा डाटा यूजेस, इस पर आ जाना। यहाँ आने के बाद आप लोग को ये वाला ऑप्शन अगर आप लोग का ऑफ रहेगा तो इसे इनेबल कर लेना, अगर ये दो ऑप्शन आप लोग को इनेबल रहेंगे तो इन दोनों को भी आप लोग ऑफ कर देना, ठीक है, और नीचे इनेबल कर देना बैकग्राउंड डेटा। तो यहाँ पास आप लोग को इतना ही सेटिंग करना है। देन गाइस आप लोग को दोबारा से अपना फोन का सेटिंग्स ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप लोग को चले जाना मोबाइल नेटवर्क पर या नेटवर्क कनेक्शन पर, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो भी सिम यूज करते हो उस पर आ जाना। यहाँ आ जाने के बाद आप लोग के ये दो ऑप्शन जो रहेंगे शुरू के, इन दो ऑप्शन को जरूर से इनेबल कर देना जैसा कि मैं कर दिया हूँ। देन गाइस आप लोग को ये मिलेगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, अगर आप लोग को ये 2G ओनली या 3G या 2G ऑटो है तो आप लोग यहाँ से 4G पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप लोग को मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम, इस पर आ जाना। इस पे आने के बाद आप लोग को ये 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ मिलेगा रीसेट एक्सेस पॉइंट, तो आप लोग को इस पर क्लिक करके यहाँ से रीसेट कर देना। इससे होगा क्या, जो भी आप लोग नेटवर्क कनेक्शन में छेड़खानी किए होंगे तो वो सभी कुछ रीसेट हो जाएगा और आप लोग का नेटवर्क कनेक्शन की सेटिंग से जो वो सभी एकदम रीसेट हो जाएगी। तो फिर आप लोग को यहाँ आना करियर पे, करियर पे आओगे तो आप लोग को ये ऑटो सिलेक्ट ऑन कर देना। बस गाइस आप लोग को यहाँ पास भी इतना ही सेटिंग करना था, ठीक है। आप लोग को अगर कोई भी सेटिंग मिस करते तो आप लोग का नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगा, तो आप लोग पीछे करके भी वीडियो को देख सकते हो। अभी तो बस मैंने आप लोग को 70% बस सेटिंग्स बताई, अभी तो मैं आप लोग को और भी बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही और वीडियो के लिए। अभी आप लोग को दोबारा से अपने फोन के सेटिंग को ओपन करना और फिर आप लोग को ऊपर की तरफ सर्च कर लेना है DNS। DNS सर्च करने के बाद आप लोग को ये मिल जाएगा प्राइवेट DNS, इसको ओपन कर लेना। जैसे मैं आ गया यहाँ पर, आप लोग का ये ऑफ रहेगा तो आपसे आप लोग को करने क्या ऑटो पर सिलेक्ट कर देना, ऑटो पर सिलेक्ट करके छोड़ देना। हाँ अभी आप लोग को अपना गेम ओपन कर लेना। गेम ओपन करने के बाद आप लोग को जब भी आप लोग गेम ओपन करते हो तो आप लोग को सेटिंग्स पे चले जाना। सेटिंग्स पे आने के बाद आप लोग को क्लियर कैचे देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप लोग को 3 से 4 बार क्लियर कैचे कर देना है, और उसी के नीचे आप लोग को मिलेगा सेंड रिपोर्ट का ऑप्शन, तो सेंड रिपोर्ट भी कर देना, और ये आप लोग को हर बार करना है जब भी आप लोग गेम खेलने जाओ। हाँ एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं, जब भी आप लोग गेम खेलने वाले हो तो उससे पहले अपने फोन को भी एक बार रीस्टार्ट कर लिया करो, जिससे आपका फोन है रिफ्रेश हो जाएगा और उससे आप लोग को जो नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम है तो वो भी उससे बहुत ही हद तक फिक्स हो जाएगा। मान लो कि आप लोगों ने ये हर एक चीज ट्राई किया है उसके बाद भी आप लोग का नेटवर्क कनेक्शन ठीक नहीं होता, तो आप लोग को करना है क्या, VPN लगा के आप लोग गेम खेल सकते हो। प्ले स्टोर से कोई भी VPN डाउनलोड कर लेना, उससे आपका आईडी बैन बिल्कुल भी नहीं होगा। VPN लगा के आप लोग का अगर गेम चल जाता है तो आप लोग VPN लगा के ही गेम खेल सकते हो। और मान लो
लो, मतलब हर एक चीज ट्राई करने के बाद आपका फिर भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझ जाना उस वक्त कि ये गेम का ही प्रॉब्लम है, यानी कि गाइस ये गेम के सर्वर का प्रॉब्लम है, तो ये आप लोग सॉल्व कभी नहीं कर सकते ना ही मैं, तो उस वक्त आप लोग गेम ना ही खेलो तो अच्छा रहेगा। चलिए तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।